तो फिर से बस चार लाइनें उसके लिए कि मैंने अपनी फैमिली को मना लिया गाइज। बट दिक्कत क्या होती है, हमेशा बोलते हैं ना कि जो लड़का होता है वो अपनी फैमिली को मना लेता है, बट जो लड़की होती है उसकी फैमिली नहीं मनती। सेम उससे अगेंस्ट मेरे साथ था, मैंने पूरी अपनी फैमिली को मना लिया, बट वो जो बंदा था उसने अपने बाप को ही नहीं मने बना पाया। बोलता था कि मैं अपने पापा से के आगे नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैंने पहले दिन पूछा था भाई तू क्लियर बता, तो उसने क्या कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए पूरी फैमिली से लड़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बहुत ज़िद्दी थी, कहता था कि तू बेवफा हो जाएगी क्योंकि लड़कियाँ जो होती है वो बीच में साथ छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है, मैंने अपने पापा से उस दिन बोल दिया कि हाँ भाई पापा ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेरी फैमिली जल्दी से रेडी हो गई, बट मैंने अपनी पूरी फैमिली को कुछ भी करके मनाया उस बंदे के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम आता है क्या होता है, सब कुछ जो होता है बीच में बोल के फिर क्या कहा यार मेरी फैमिली मानेगी नहीं। बर्थडे का अगले दिन था, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था लाइफ में यार, दो सालों के तो रिलेशन को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली बोलता है कि यार अब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना वो मानेगी नहीं हम दोनों के लिए। तो चार लाइनें उस इंसान के लिए, मेरे दिल, तुझे पता था पहले ही कि तेरा बाप नहीं मानेगा तो तू आया क्यों था लाइफ में साले, तुझे पता था तेरा बाप नहीं मानेगा तू आया क्यों था लाइफ में साले, तुझे पहले इतनी बात सोच के जानी चाहिए थी। तूने जो लड़की का एक ट्रस्ट जो तोड़ा है, तेरे जैसे भी हजारों बनाते थे पर मैंने ना सोचा था कि तुझको तू ऐसा निकलेगा, पर मैं